हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज सीसीई। दिस टॉपिक इज फ्रॉम योर फोर्थ यूनिट। एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वी कैन से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इन विच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट आर कवर्ड, एंड इट इज बेस्ड ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन लर्निंग एंड बिहेवियर आउटकम्स। ओके, एक तरफ तो ये जो मूल्यांकन में है उसकी निरंतरता से संबंधित उद्देश्य के ऊपर आधारित होता है, और सेकेंड विद्यार्थियों की जो उनके व्यवहारगत परिवर्तन है उनके अधिगम से संबंधित उनके आकलन के ऊपर जो है इसके उद्देश्य आधारित होते हैं। सेकेंड इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीसीई सिस्टम। आइए देखते हैं सीसीई सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हम सभी जानते हैं जो सीसीई सिस्टम है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बट इन व्हाट वे, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीसीई आइडेंटिफाइज द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स ऑन स्मॉल पोर्शंस ऑफ कंटेंट। बिकॉज सीसीई सिस्टम के अंदर विद्यार्थियों के नियमित रूप से एक नियमित अंतराल के बाद जो है उनके अधिगम है उनसे संबंधित प्रगति को चेक किया जाता है। क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट के उनके बेसिस के ऊपर क्विज, डिबेट और एनी अदर फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, सो उनकी जो रेगुलरिटी बनी जाती है इवैल्यूएशन में, एंड उसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर उन्हें प्रॉपर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बट दिस रेमेडियल टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन देयर लर्निंग नीड्स। विद्यार्थियों की क्या लर्निंग नीड्स है उसके ऊपर बेस्ड होती है ये रेमेडियल टीचिंग, एंड द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी की अपनी क्या क्या क्षमताएं हैं व्यक्तिगत। बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑल स्टूडेंट्स और ऑल चिल्ड्रन आर नॉट आर ऑफ सेम लेवल। ठीक है, बिकॉज हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उनकी पोटेंशियल भी ऐसी बात है कि डिफरेंट होंगी, उनकी नीड्स भी डिफरेंट होंगी। सो रेमेडियल टीचिंग उसी के ऊपर बेस्ड होती है। एंड अदर सीसीई, नो नेगेटिव कमेंट ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस। विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जाती है, बट ऑन द अदर हैंड प्रॉपर रेमेडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड टू देम। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर एनकरेजिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज वी कैन से लर्नर्स पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस एक्टिवली। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं लर्निंग प्रक्रिया में। रिकॉग्नाइजिंग एंड एनकरेजिंग स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताएं हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स, बट ऑन अदर हैंड दे परफॉर्म बेटर इन को करिकुलर एरियाज। ठीक है, नाउ हाउ डज सी सी ई हेल्प इन इम्प्रूव द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जो सी सी ई है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करता है, अभी हमने रीड किया था कि इसमें उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फ्रॉम रेगुलरिटी के साथ जो उनकी एवोल्यूशन की जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके दौरान जो जो शिक्षक हैं हम कह सकते हैं वो उनकी क्षमताओं को और उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं। ठीक है, एंड एम्प्लॉइंग सुटेबल रेमेडियल मेजर्स फॉर एनहांसिंग देयर लैंग्वेज परफॉर्मेंस, और इस तरह से उन्हें उनकी लर्निंग परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आधारित प्रॉपर उपचारात्मक शिक्षण है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सीसीई। आइए देखते हैं कि सीसीई का मेन एम क्या है। फर्स्ट इज कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन इज देयरफॉर विल नॉट बी मेयरली लिमिटेड टू द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स स्कॉलास्टिक अटेनमेंट्स। What is the meaning of this point? We can say CCE evaluation is not based on scholastic attainment. Means कि जो CCE के तौर पर मूल्यांकन होता है वो सिर्फ शैक्षिक पक्ष के ऊपर आधारित नहीं होता है, जैसे हमने बात की। इसमें विद्यार्थियों के विकास से संबंधित भावात्मक, बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एंड सामाजिक सभी पक्षों का मूल्यांकन समान रूप से किया जाता है। It uses assessment as a means of motivating learners in for the program to provide information for arranging feedback. इसमें विद्यार्थियों को motivate किया जाता है, उन्हें properly feedback दिया जाता है, and follow up to work to improve upon the learning in the classroom. और classroom में उनकी learning को improve करने के लिए उन्हें proper guidance provide की जाती है। तो ये थे some aims of CCE. Now,
हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं टर्म कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव. लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस. द टर्म कंटिन्यूस इज मीन टू एम्फसाइज दैट इवोल्यूशन ऑफ आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस रादर देन एन इवेंट बिल्ट इन टू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड स्प्रेड ओवर द एंटायर स्पेन ऑफ एकेडमिक सेशन. इसकी भी हमने बात की थी कि जो है कंटिन्यूस का अर्थ है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. ये हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम का इवेंट के रूप में इसे नहीं ले सकते हैं. एक ऐसी प्रक्रिया है जो टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती रहती है और अपने पूरे शैक्षणिक स्तर को कंप्लीट करती है. इट मीन्स रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, यूज ऑफ करेक्टिव मेजर्स, रीटेस्टिंग, फीडबैक ऑफ एविडेंस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर सेल्फ एवोल्यूशन. इसका अर्थ है कि इसमें यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, विद्यार्थियों के लर्निंग गैप्स कहाँ हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें प्रॉपर करेक्टिव और रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा विद्यार्थी और स्टूडेंट्स दोनों ही अपनी सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कंप्रिहेंसिव. कंप्रिहेंसिव मीन्स कवर बोथ द स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंस एबिलिटीज attitudes and aptitudes can manifest themselves in forms other than the written word. Means कि कुछ ऐसी योग्यताएँ होती हैं जैसे abilities हैं, attitudes हैं, aptitudes हैं, जिन्हें हम written form में measure नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें different type of tools and techniques की आवश्यकता पड़ती है and aims at assessing a learner's development in different areas of learning. और इनके द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्र में जो अधिगम है उसका आकलन किया जाता है. ठीक है, तो ये थी हमने टर्म जो जानी अभी continuous and comprehensive. Let us see what does CC assessment include. CC assessment के अंदर क्या क्या include होता है. Scholastic and co-scholastic assessment. Let us see what is scholastic domain. The desirable behavior related to the learner's knowledge, understanding, application, evaluation, analysis and creating in subjects and the ability to apply it in an unfamiliar situation are some of the objectives in scholastic domain. Means कि किसी भी विषय से संबंधित विद्यार्थी की नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी समझ, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारात्मक उसे उपयोग करने की क्षमता, ठीक है, मूल्यांकन करने की क्षमता, ठीक है, उस कंसेप्ट का एनालिसिस, विश्लेषण कितनी अच्छी तरह से कर सकता है वो, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है स्कॉलेस्टिक डोमेन में चेक किया जाता है. एंड ऑन अदर हैंड पोस्ट स्कॉलेस्टिक डोमेन द डिज़ायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर्स लाइफ स्किल्स. विद्यार्थी के जीवन कौशल से संबंधित बिहेवियर का जहाँ आकलन किया जाता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज और अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, ये सारे ऐसे स्किल्स हैं जो को स्कॉलेस्टिक डोमेन में जो है जिनका आकलन किया जाता है. तो ये थी हमारी स्कॉलेस्टिक डोमेन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एवोल्यूशन, एनालिसिस, ठीक है, इसे जहाँ असेस किया जाता है. एंड को स्कॉलेस्टिक में एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, फिजिकल हेल्थ एक्सेट्रा एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज. नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल स्कॉलेस्टिक असेसमेंट. आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्कॉलेस्टिक असेसमेंट है उन्हें किन टेक्निक्स के यूज से जो है असेस किया जाता है. बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है, समेटिव में आप ले सकते हैं MCQs, लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, और शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि इनमें क्या होती है लॉन्ग आंसर्स, ये तो आपका को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट है. हम बात कर रहे हैं स्कॉलेस्टिक की, इसमें हमने बात की समेटिव असेसमेंट में MCQs एंड लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, थ्री टाइप ऑफ आंसर्स. और MCQs एंड लॉन्ग आंसर्स इन सब में क्या होती है आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, रिटर्न एंड ऑफ टर्म, किसी भी टर्म के एंड में जो है इन एग्ज़ाम्स को लिया जाता है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे. और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट. यू कैन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप काउंट कर सकते हैं कन्वर्सेशन स्किल्स, असाइनमेंट वर्क, ओरल क्वेश्चनिंग, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज, रिसर्च वर्क, एनी अदर ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है. तो जो है आप इसमें खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं स्कॉलेस्टिक असेसमेंट में टू टाइप्स से इवेल्यूशन की जाती है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव. समेटिव में आपकी MCQs, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड स्कॉलेस्टिक में ये एक्टिविटीज, ठीक है, कन्वर्सेशन स्किल्स, असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट, क्विज, रिसर्च वर्क, ठीक है. अब देखते हैं को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट. को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट में आएगा आपका सारे लाइफ स्किल्स से रिलेटेड असेसमेंट. फर्स्ट वन यू कैन सी सोशल स्किल्स.
कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. नेक्स्ट इज इमोशनल स्किल्स में आपका आ सकता है डीलिंग विद इमोशंस, कैसे करता है विद्यार्थी डीलिंग विद स्ट्रेस, अपने तनाव का सामना किस तरह से करता है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में कितना अवेयर है, वैल्यूज एटीट्यूड टुवर्ड्स, उसका टीचर्स के प्रति क्या एटीट्यूड है, स्टूडेंट्स के प्रति, अपने पीयर्स ग्रुप के प्रति, स्कूल प्रोग्राम्स, एनवायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्लब, इको क्लब, हेल्थ एंड वेलनेस क्लब, साइंटिफिक एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, एस्थेटिक एक्टिविटीज़, थिंकिंग स्किल में आप काउंट कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग थिंकिंग. तो मीन्स की कोर्स क्लस्टिक असेसमेंट में इन सारे पक्षों का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है. ठीक है, नाउ नीड एंड रेलेवेंस ऑफ CCE, आइए देखते हैं कि CCE की नीड क्या है. इट हेल्प्स टू मेक द एजुकेशन प्रोसेस अ स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी. इसके द्वारा जो एजुकेशन प्रोसेस है वो क्या बन जाता है, एक तरह का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रिया. ठीक है, टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. इसमें विद्यार्थी की तीनों पक्षों का मूल्यांकन जो है वो होता है, उसकी जो अपनी अंतःक्रिया है उससे संबंधित कौशल, जो उसकी मनोगत्यात्मक साइकोमोटर स्किल्स हैं वो, एंड कॉग्निटिव जो उसकी संज्ञानात्मक स्किल्स हैं. ठीक है, उन सभी के विकास को जो है चेक किया जाता है. इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज. CCE के द्वारा जो टीचर है विभिन्न तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज का प्रभावी रूप से जो इसमें उपयोग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स. टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन असेसमेंट इन कोर्स क्लस्टिक एरियाज. इसमें जो है विद्यार्थी की जो असेसमेंट है उसे कंटिन्यू रूप से चेक किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है, प्रॉपर रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है, एंड उसकी कोर्स क्लस्टिक एरिया में भी इस असेसमेंट की जा सकती है. बाय कंटिन्यूस एवेल्यूशन चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जब विद्यार्थियों को पता है कि उनका मूल्यांकन नियमित रूप से हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को स्वयं जान सकते हैं. इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड अ रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हाउ और ही और शी स्टडीज. मीन्स कि इस तरह से विद्यार्थी प्रकार की खुद जो सेल्फ असेसमेंट है वो कर सकता है. इट हेल्प्स अ लर्नर टू डिटरमाइन द एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वेयर मोर एम्फेसिस इज रिक्वायर्ड. इट मीन्स कि इसमें विद्यार्थी को खुद अपने बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस क्षेत्र में उसकी उसे कितनी आवश्यकता है. ठीक है, मीन्स कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसे चाहिए. ठीक है, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर. और CCE कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन के लिए भी हेल्प करता है रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, कोर्सेज एंड करियर्स. ठीक है, तो ये थी नीड्स ऑफ CCE. लेट अस सी रोल ऑफ CCE इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आइए देखते हैं कि CCE का क्या रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एवेल्यूशन एंड यूज ऑफ वेरियस टेस्ट फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज मेन हमारा ये कंसेप्ट किसके पर बेस्ड है कि जो CCE है वो किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है या किस तरह से फंक्शन करता है. फर्स्ट हमने बात की बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट. इट मीन्स कि सबसे पहले जो CCE की प्रक्रिया है एवोल्यूशन बाय CCE शुड बी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट. एज वी ऑल नो दैट लैंग्वेज इज अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट. हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक तरह का स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है. एंड इन लैंग्वेज वी यूज फोर टाइप ऑफ स्किल्स एज यू ऑल नो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. एंड These all four skills are to be developed parallelly in the students. Means कि विद्यार्थियों में इन सभी चारों कौशलों का विकास इस तरह से parallelly होना चाहिए, चक्र के रूप में होना चाहिए. Because one skill is the basis of next skill. अगर विद्यार्थी लैंग्वेज से रिलेटेड एक स्किल में कमज़ोर है तो वो कहीं ना कहीं उसकी दूसरे स्किल को भी इफेक्ट करेगी. ठीक है, इसमें है कि जो नॉलेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ बुक है, बुक से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेदर द स्टूडेंट हैज़ डेवलप द एबिलिटीज ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, मीन्स कि आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो CCE है वो सिर्फ अगर हम यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट इन्हीं की बात करें तो भी जो बुक का कंटेंट है उसके नॉलेज के ऊपर जो है हम विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं कर सकते. देयर शुड बी द एवोल्यूशन ऑफ फोर स्किल्स. ठीक है,
ठीक है, चारों की चारों स्किन्स की जो एवेल्यूशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए. सो द वी कैन से फर्स्ट स्टेप इन एवेल्यूशन इन इंग्लिश इज़ टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्लियरली. मीन्स कि हम इंग्लिश टीचिंग में जो भी हम टीच कर रहे हैं उसके द्वारा बाय टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. ठीक है, एंड सेकेंड वी कैन से दैट रेगुलर एंड कंटिन्यूस एवेल्यूशन. जो विद्यार्थी की लैंग्वेज से रिलेटेड असेसमेंट है, एवेल्यूशन है, वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए. ठीक है, मीन्स कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इवेल्युएट कर सकता है एट ऑल टाइम. ठीक है, नॉट इन पर्टिकुलर क्लास टाइमिंग और इन अ फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे में भी वो चेक कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी यूज फॉर द कंटिन्यूस एंड रेगुलर एवेल्यूशन. ठीक है, जो टीचर है वो द टीचर गिव्स कैन गिव द क्लास अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. ठीक है, हमने बात की कि कंटिन्यूस एंड रेगुलर होनी चाहिए, तो इसके लिए जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो है वो टाइम टू टाइम दे सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दीज एक्सरसाइजेज वर्क्स एज अ टीचिंग डिवाइसेस इन लैंग्वेज टीचिंग. ठीक है, एक तरह के टीचिंग डिवाइसेस का काम करती हैं लैंग्वेज में. ओके, एंड नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ वेरियस टेस्ट आइटम्स. इसके लिए हमने बात की कि अभी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स का यूज़ किया जा सकता है. इसमें आप काउंट कर सकते हैं पोएम राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसी राइटिंग और द क्लासरूम टेस्ट, टेस्ट एट द एंड ऑफ लेसन्स, यूनिट टेस्ट और एनी अदर टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट रिलेटेड टू द लैंग्वेज. ठीक है, एंड ऑल दीज टेस्ट आइटम्स आर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस लैंग्वेज एबिलिटीज. ठीक है, तो ये हमने बात की रोल ऑफ सी सी इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और इन शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हैं कि एज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एंड इन स्कीम ऑफ एवोल्यूशन हैज़ टू बी कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव. ठीक है, किसी भी प्रोसेस को हम अगर अधिगम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव तभी माना जाएगा कि अगर उसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया वास्तविक रूप में इन रियल फॉर्म कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव है. ठीक है, तो लास्ट में आप इस तरह से समाप्त कर सकते हैं फॉर द रोल ऑफ सी सी ई कि जो लर्निंग लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी लर्निंग लैंग्वेज है दैट इज़ बेस्ड ऑन फोर टाइप्स ऑफ स्किल्स LSRW. ठीक है, और जो इसमें हम लेते हैं आपकी फोर स्किल्स लिसनिंग एंड रीडिंग. ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग इन्हें क्या माना जाता है, रिसेप्टिव. ठीक है, रिसेप्टिव क्यों माना जाता है लिसनिंग और रीडिंग को, बिकॉज दीज स्किल्स थ्रू दिस स्किल्स लर्नर रिसीव्स इंफॉर्मेशन, उसे इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है बाय लिसनिंग एंड रीडिंग. ठीक है, एंड इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो उसने सुना है या जो पढ़ा है, ठीक है, व्हाट ही हैज़ हर्ड और रीड. ऑन अदर हैंड स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है, हम कह सकते हैं कि दीज स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन, अगर आप लैंग्वेज में कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप रीडिंग और राइटिंग का यूज़ कर रहे हैं. सो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है उसमें जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो किस तरह से वर्क करती हैं, टू कम्युनिकेट. ठीक है, और द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग दीज आर कम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग दीज आर एक्सप्रेशन स्किल्स. तो हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया तभी कंटिन्यूस एंड समग्र मानी जाएगी, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव मानी जाएगी व्हेन इन द एरिया ऑफ लैंग्वेज लर्निंग देयर विल बी अकाउंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स कॉम्पिटेंसीज इन ऑल फोर स्किल्स. ठीक है, अगर विद्यार्थी की डेवलपमेंट फोर स्किल्स में होती है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो तभी जो है उसकी हम सी सी अंडर लैंग्वेज कंप्लीट मानी जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से जो है सी सी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क करता है. एक बार फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो सी सी ई है. ठीक है, जब हमने इंग्लिश की ही बात की तो इसमें ये बेस्ड होगा आपके फोर स्किल्स के ऊपर. ठीक है, इसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसमें. सेकेंड है आपका रेगुलर एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन, मीन्स कि टीचर के द्वारा लैंग्वेज से रिलेटेड
कंटिन्यूस एंड रेगुलर इवेल्यूशन होनी चाहिए, एट ऑल टाइम होनी चाहिए, इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन बोथ भी होनी चाहिए। एंड थर्ड वन वॉज यूज़ ऑफ वेरियस टेस्ट आइटम्स, मीन्स कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स का यूज़ किया जा सकता है टीचर्स के द्वारा, जिसमें आपके एसे राइटिंग, कंप्रहेंशन राइटिंग एंड एनी टाइप ऑफ यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है, मैनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड ड्रिल्स कैन बी यूज बाय द टीचर्स, ठीक है। इन ओनली इन दैट वे CCE will work in a beneficial form for the students. So, I think every point related to this topic of CCE is clear to you. In this topic, we have read meaning of CCE, meaning of continuous and comprehensive, need, advantages, two aspects that are measured in process of CCE, and at last, role of CCE in teaching of English language. Thank you. Have a nice day.